मार्वल हार्ली क्विन को एमसीयू में कास्ट करने वाली है। अभी इंटरनेट पर ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि बार्बी की एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी एज सू स्टॉर्म आपको फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर देखने को मिल सकती है। मार्गरेट रॉबी डीसी में हार्ली क्विन कैरेक्टर प्ले करने के लिए फेमस है और अब लगता है कि मार्गरेट रॉबी डीसी से मार्वल की तरफ आने वाली है टू प्ले सू स्टॉर्म। अभी रिसेंटली जोकर 2 के अंदर एक नई हार्ली क्विन को कास्ट किया गया है और जोकर 2 की मूवी के अंदर आपको लेडी गागा हार्ली क्विन का रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाली है। मार्गरेट रॉबी का फ्यूचर डीसी में भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अब डीसी फ्लैश के बाद रिबूट होने वाली है और ऐसा हो सकता है कि डीसी के अंदर आपको एक नई हार्ली क्विन देखने को मिले। आई थिंक जेम्स गन मार्गरेट रॉबी को हार्ली क्विन के जैसे रिटेन करना चाहते होंगे इन न्यू डीसी भी, पर ऐसा हो सकता है कि मार्गरेट रॉबी डीसी से मार्वल की तरफ मूव कर जाए। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर के अंदर आपको एज मिस्टर फैंटास्टिक एडम ड्राइवर देखने को मिलने वाले हैं जो कि एक काफी बेहतरीन एक्टर है और आप एडम ड्राइवर को स्टार वॉर्स की मूवीज अब मूवीज लाइक मैरिज स्टोरीज लोगन लकी ऐसी मूवी से जानते होंगे और एडम ड्राइवर एक काफी बड़े नाम है टू प्ले मिस्टर फैंटास्टिक इन फैंटास्टिक फोर की मूवी और आई थिंक एडम ड्राइवर को कास्ट करके मार्वल ने काफी अच्छा काम किया है। फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर जॉन क्रिसिंस्की फैंटास्टिक फोर का रोल इसलिए नहीं प्ले करेंगे क्योंकि वो कभी ओरिजिनल चॉइस नहीं थे मार्वल के, उनको सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एज अ वेरिएंट इसलिए कास्ट किया गया था क्योंकि फैंस काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे जॉन क्रिसिंस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक देखने के लिए। सो जॉन क्रिसिंस्की वापस नहीं आने वाले हैं फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर, पर क्योंकि अभी हम मल्टीवर्स ऑफ सागा के अंदर है तो वी नेवर नो। बाकी एज ह्यूमन टॉर्च पॉल मेस्कल का नाम चल रहा है और हो सकता है एज ह्यूमन टॉर्च उनको कास्ट किया जाए। बाकी फैंटास्टिक फोर का मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली गैलेक्टस होने वाला है। इटर्नल्स की मूवी के थ्रू सेलेस्टियल्स को ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया एमसीयू के अंदर और क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस सेलेस्टियल्स का जानी दुश्मन होता है इसलिए काइंड ऑफ गैलेक्टस भी एमसीयू में ऑलरेडी सेटअप है थ्रू इटर्नल्स। और अब फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर हम गैलेक्टस को वन ऑफ द मेन विलन्स देखने वाले हैं। सो फैंटास्टिक फोर की मूवी एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है मार्वल के लिए जो कि मार्वल फेज 6 का शुरुआत करने वाला है। अभी तक ये कास्टिंग्स कंफर्म नहीं है और आई थिंक जुलाई में होने वाले कॉमिक कॉन के अंदर हमें फैंटास्टिक फोर की कंप्लीट कास्ट के बारे में बताया जाएगा बाय मार्वल। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के क्रेडिट सीन के अंदर भी एनहाइलेटर्स की टीम का सेटअप होने वाला है जिस टीम के अंदर कॉमिक्स के अंदर सिल्वर सर्फर भी एक पार्ट होता है। सो काइंड ऑफ गार्डियंस का क्रेडिट सीन भी फैंटास्टिक फोर की मूवी को सेटअप करने वाला है और सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस के रोल को टीज करने वाला है इन फ्यूचर मार्वल की मूवीज। अगर आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 क्रेडिट सीन और रिव्यूज के बारे में और जानना है तो इस टॉपिक पे आपको मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताना ना भूलें क्या फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर किन एक्टर्स को कौन से रोल प्ले करते हो देखना चाहते हो। बाकी एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।